आबादी पट्टा, पैसे लेकर आबादी पट्टा दिए जाने की बात से नाराज ग्रामीणों ने कलेक्टर से की शिकायत। आपको बता दें कि पूरा मामला बेमेतरा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बिलाई का है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत की ओर से फर्जी तरीके से पैसा लेकर पट्टे का वितरण किया गया है। दरअसल जिस स्थान पर पट्टे दिए जा रहे हैं उस स्थान पर मकान बनने की बात कही जा रही है, जबकि वहाँ ना तो मकान है और ना किसी प्रकार का कोई निर्माण हुआ है। फर्जी तरीके से लोगों से पैसा लेकर पट्टे का वितरण ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव के द्वारा किया गया था और इसकी शिकायत उन्होंने कलेक्टर से की थी। कलेक्टर ने जांच उपरांत पट्टे को निरस्त कर दिया। उसके बाद कुछ ग्रामीण इस मुद्दे को लेकर संभाग आयुक्त के पास अपील की, जहां पर संभाग आयुक्त ने कलेक्टर को पट्टा निरस्त करने के निर्णय को सही ठहराया। इसके साथ जाँच करते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी आदेश दिए गए हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि सभी दस्तावेज तहसील कार्यालय में रखे हुए हैं, लेकिन ना तो SDM व ना तहसीलदार जांच के लिए गांव जा रहे हैं। इसी बात को लेकर वह पुनः कलेक्टर के पास गुहार लगाने आए हुए हैं। आवास हितग्राही मन के निजी जमीन नहीं है, आवास हेतु करके 6 एकड़ 15 डिसमिल घास जमीन आबादी घोषित करा के अपात्र व्यक्ति पैसा लेके बेचे रही से, जेकर विरोध करें कलेक्टर जन दर्शन में। SDM और RI पटवारी पूरा जाँच करे बर गिस और जाँच रिपोर्ट कलेक्टर लदीस। कलेक्टर कमिश्नर यहाँ निरस्त करे के अनुमति लीस और कमिश्नर निरस्त करे के अनुमति दीस। गांव के कुछ आदमी प्रधानमंत्री आवास हितग्राही के जिन प्लाट मिले रही उमर आवास बन चुके हैं करके फिर कमिश्नर में अपील करी। कमिश्नर हम जांच के लिए आदेश जारी करे है 6/1/2022 के, और पूरा डॉक्यूमेंट जिन है पूरा फाइल जिन है बेमेतरा नायब तहसीलदार के पास रखे है। 7 महीना हो गए मौका में जांच में नहीं जाते, तो हमारा ये कहना है काकर आवाज बने हैं वो आबादी प्लाट ले हो में ओकर जांच करे जाए। एक लिए हमन पिछले हफ्ते भी आए रहे, आज एक सप्ताह बाद और दोबारा आए हमन उमा बेमित्रा तहसील के एक बिलाई ग्राम, वहाँ आबादी भूमि का वितरण ग्राम पंचायत द्वारा किया जा रहा है। इसकी अनियमितता को लेकर शिकायत की गई है। पूर्व में भी यह शिकायत जन चौपाल में आई थी, जिसकी जाँच बेमित्रा अनुभाग के SDM द्वारा की जा रही है और शीघ्र यह जाँच पूरी करके इसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी की जाएगी। यहीं